हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। गाइस, वन प्लस 9 प्रो से जुड़ी हुई काफ़ी सारी लीक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े टाइम से निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक जैसी लगने वाली एक लीक है जो हमारे सामने निकल कर आई है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं डेव ली, जिनका चैनल है D2D नाम से। उनके पास किसी बंदे ने उनको डिस्कॉर्ड सर्वर पर मैसेज किया और बताया कि उसके पास वन प्लस 9 प्रो से जुड़े हुए एक्चुअल फोटोज़ हैं, और उन्होंने वो फोटोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूँ कि वन प्लस 9 प्रो की जो लीक निकल कर सामने आई है हमारे, वो किस तरह की लीक है और इससे हमें क्या क्या चीज़ें वन प्लस 9 प्रो से जुड़ी हुई पता चलती हैं। तो बिना और बात करें चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, यहाँ पर वन प्लस 9 प्रो के जो फोटोज की लीक्स जो निकल कर सामने आई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको 4 कैमराज का सेटअप देखने को मिल रहा है। 2 कैमराज जो हैं वो लगभग एक ही साइज़ के हैं, और नीचे की तरफ 2 कैमराज और हैं, और साइड में आपको एक फ्लैश भी दिखेगा यहाँ पर। और इस पर एक ब्रांडिंग दी हुई है जिस पर लिखा हुआ है हैसलब्लैड। तो आपको बता दूं मैं, हैसलब्लैड जो है वो एक स्वीडिश कंपनी है जो कि कैमराज बनाती है, और इसके कैमराज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इस चीज़ से ये पता चलता है, वन प्लस 9 प्रो के ऊपर हैसलब्लैड की ब्रांडिंग देखने से ये पता चलता है कि शायद वन प्लस ने हैसलब्लैड के साथ हाथ मिलाया है ताकि अपने कैमराज को, कैमरा एक्सपीरियंस को और अच्छा किया जा सके, और जो कैमराज हैं उनके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर उनके सामने खड़ा ना रह सके। क्योंकि जो वन प्लस के जो CEO हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया था हाल ही में, उन्होंने कहा था कि वन प्लस 9 के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कैमराज है उसके हम उसको और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि मार्केट में कोई भी हमारे कॉम्पिटिटर ना बन सके। तो हो सकता है वन प्लस 9 प्रो के लिए हैसलब्लैड के साथ हाथ मिलाया हो, और उसमें हैसलब्लैड ने जो है वो अपना कैमराज का सपोर्ट वन प्लस 9 प्रो में दिया हो। ऐसा ये सिर्फ और सिर्फ लीक्स हैं जो इन इमेजेस से हमें पता चल रही है। बात करें अगर फ़ोन के साइड के डिज़ाइन की, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर फ्रेम है, वन प्लस का जो फ्रेम नॉर्मली होता है जहाँ पर हमें लॉक बटन देखने को मिलता है, वो स्ट्रेट फ्रेम होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रेम को जो है वो लॉक बटन के हिसाब से मोल्ड किया गया है हल्का सा। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें इसमें, इसके डिज़ाइन में वन प्लस 9 प्रो के। बात करें अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में ये लीक निकल कर सामने आई कि इस वन प्लस 9 प्रो में आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि एक 2K डिस्प्ले हो सकता है। वहीं अगर बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले की एक और लीक की, तो एक और लीक निकल कर आई थी सामने, और उसमें यह बताया गया था कि इस फ़ोन के अंदर जो वन प्लस 9 प्रो के अंदर जो डिस्प्ले होने वाला है वो वन प्लस 8 वाला ही होने वाला है। वन प्लस 8T के अंदर जो डिस्प्ले है वही डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक लीक और निकल कर सामने आई जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वन प्लस 9 प्रो के अंदर जो है वो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले हो सकता है। बात करें पीछे दिए हुए कैमराज की, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है और लीक सामने निकल कर आई है कि ये जो कैमराज हैं वो 50+50 मेगापिक्सल के सेंसर हो सकते हैं, और नीचे की तरफ आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, और दूसरा सेंसर जो है वो मैक्रो शूटिंग के लिए है, यानी कि 2 जो नीचे के सेंसर हैं वो बिल्कुल यूजलेस हैं। तो अगर ऊपर के कैमरों की तरफ हम फोकस करें, तो इसका मतलब यह है कि इसमें आपको हैसलब्लैड की टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। और अगर हैसलब्लैड की टेक्नोलॉजी वन प्लस अपने वन प्लस 9 प्रो में यूज़ करता है, तो इसका मतलब ये है कि इन फ़ोन की जो कीमत होगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हैसलब्लैड जो है वो एक कोई सस्ती कंपनी नहीं है। हैसलब्लैड का कोई भी प्रोडक्ट सस्ता नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं हैसलब्लैड के। तो अगर हैसलब्लैड का लेंस वगैरह या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है वन प्लस की तरफ से वन प्लस 9 प्रो में, तो जो कीमत होगी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो सकती है, मतलब 80-85 के आसपास तक अप्रॉक्सीमेटली ये फ़ोन जो है वन प्लस 9 प्रो जा सकता है, जैसा कि लीक्स वगैरह से हमें पता चल रहा है और जो इसमें हैसलब्लैड की हमें ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। खैर, ये फोटोज़ वगैरह जो है वो डेव को एक डिस्कॉर्ड पे शेयर किए थे उनके एक फॉलोअर ने, तो हो भी सकता है ये जो है वो रियल फोटोज़ हैं, या हो सकता है ये फेक फोटोज़ हैं। अभी क्लियर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी वन प्लस 9 प्रो जो है वो लॉन्च होने में बहुत टाइम है। अभी कुछ भी कह पाना, इन लीक्स को बिल्कुल एक्यूरेट बोल पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो है पता नहीं और कितनी लीक सामने निकल कर आई है। ये बहुत ही जल्दी अर्ली लीक कह सकते हैं हम इसको, जो कि कैमराज की सामने निकल कर आई है हमारे। तो अब आगे देखना है वन प्लस 9 प्रो से जुड़ी हुई कौन कौन सी लीक सामने आती हैं, और कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हमें आगे देखने को मिलती है नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं आप लोग मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।